इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत के बीसलपुर से बड़ी और अहम खबर, बीसलपुर बनेगा उत्तर प्रदेश में जनपद। बीसलपुर में बरखेड़ा पवाया और बीसलपुर विधानसभा होंगी शामिल। बीसलपुर को किया जाएगा जनपद घोषित, 3 विधानसभाओं के साथ जनपद घोषित होगा बीसलपुर। विधानसभा में बीसलपुर को जनपद बनाने की याचिका की गई स्वीकार, भाजपा विधायक विवेक वर्मा ने विधानसभा में डाली थी याचिका। आपको बता दें बीसलपुर को जनपद बनाए जाने को लेकर भाजपा विधायक विवेक वर्मा ने शुरू किया प्रयास। आपने सुना ही होगा बीसलपुर को जनपद यानी जिला घोषित किए जाने को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। आपको बता दें बीसलपुर के भाजपा विधायक विवेक वर्मा ने विधानसभा में मामले की याचिका डाली थी। विधानसभा में उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया गया। वहीं पीलीभीत के डीएम को मामले पर रिपोर्ट लगाने के लिए शासन स्तर से पत्र पहुंच चुका है। हालांकि भाजपा विधायक विवेक वर्मा के मुताबिक बीसलपुर में बरखेड़ा और पवाया विधानसभा शामिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीसलपुर केंद्र बिंदु है, जहां से शहरों की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है। ऐसे में बीसलपुर स्वयं में जनपद घोषित किया जाए, इसको लेकर भाजपा विधायक विवेक वर्मा लंबे समय से प्रयासरत हैं। उन्होंने मामले की याचिका विधानसभा में डाली थी, जो कि स्वीकृत हो चुकी है। विधायक विवेक वर्मा ने दूरभाष पर बात करते हुए बताया, बीसलपुर को जनपद बनाने के लिए शासन स्तर से रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि पूरा प्रयास रहेगा उत्तर प्रदेश में बीसलपुर को भी जनपद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बताया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उत्तर प्रदेश में बीसलपुर को जनपद का दर्जा देता है, बीसलपुर को जनपद लिखता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जहां जहां भी जनपद बना वहां सभी जगह जिला घोषित हो चुके हैं। ऐसे में आरएसएस की नज़र में बीसलपुर जनपद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नए जनपद को जोड़ने की तैयारी कर ली है। बीसलपुर को जिला घोषित करने के लिए आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रयास हैं? हमने बीसलपुर को जनपद बनाने के लिए एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी उनको दिया था। हमने उस पर संज्ञान लिया और यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है और पत्र मुझे भी मिल गया, उसकी कॉपी आ गई है। हमने डीएम साहब को बता भी दिया है, वो जल्द ही यहाँ की बीसलपुर को जनपद बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट शासन में भेजेंगे। जनपद में आपकी नज़रों में कौन कौन सी तहसीलें बनाई जाए? तहसील जनपद में इस समय कलीनगर बनी थी, वो बहुत गलत बनी है जी। हमारा कहना गजरौला तहसील बनना चाहिए जी, जिससे कि वो सेंटर पर है जी। कुछ हिस्सा बीसलपुर का ले लें, कुछ बरखेड़ा का ले लें, कुछ कलीनगर का ले लें, कुछ अमरिया तहसील पीलीभीत का ले लें, तो एक सेंटर तहसील वहाँ आना। आवागमन गवन में भी विकास की दृष्टि गजरौला तहसील सही है। पीलीभीत में कौन कौन सी, बीसलपुर अगर जिला बनता है तो कौन कौन सी विधानसभाएं जुड़ सकती हैं इसमें? बीसलपुर के लिए मेरा पक्ष ये है, जैसे एक बीसलपुर विधानसभा, एक बरखेड़ा विधानसभा है, एक पुवाया विधानसभा है, जो कि कभी लोकसभा पीलीभीत का हिस्सा रहा है। तो पीलीभीत में एक पीलीभीत जनपद बन जाए, उसमें एक बहेड़ी विधानसभा जो कि लोकसभा पीलीभीत का हिस्सा है, पीलीभीत हो उसमें बहेड़ी हो पूरनपुर, 3 विधानसभा पीलीभीत में शामिल हो जाए। बीसलपुर में बीसलपुर, बरखेड़ा और कुवाया, सब 3 विधानसभा। और बीसलपुर जो जनपद हमारे बनाने की मंशा है, संघ की दृष्टि से बीसलपुर एक जनपद जिला है, पीलीभीत जिला अलग है, बीसलपुर अलग है। और संघ ने जो जो अपनी संघ की दृष्टि से जनपद बनाए थे वो सारे जिला हो गए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था बीसलपुर जिला बन जाए। धन्यवाद सर।